हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग नेस्टेड क्लासेस के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि नेस्टेड क्लासेस का क्या यूज़ है, उसके साथ साथ देखेंगे कि इनर क्लासेस क्या होती है। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो अभी तक हम लोग इस तरीके से क्लासेस बना रहे थे, इसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स डिफाइन कर रहे थे। बट क्लासेस के अंदर हम लोग क्लासेस भी बना सकते हैं, मतलब एक क्लास के अंदर आप दूसरी क्लास भी बना सकते हैं, उनको हम नेस्ट कर सकते हैं। तो उसको हम लोग नेस्टेड क्लासेस कहते हैं, मतलब क्लास के अंदर क्लास को हम लोग नेस्टेड क्लास कहते हैं। तो इसके अंदर मैं एक क्लास बनाता हूँ, इसको मैं नाम दूंगा नेस्टेड, और इसके अंदर एक टेस्ट मेथड बनाते हैं, और इसके अंदर सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ मैं, आई एम इन नेस्टेड क्लास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्लास के अंदर क्लास बनाई है, मतलब हम लोग क्लासेस को नेस्ट भी कर सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि इसका यूज़ क्या होगा। तो कभी कभी ऐसा सिनेरियो आ जाता है जिसमें ये जो हमारी अंदर वाली क्लास है, इसका खुद से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब इसका खुद से कोई वजूद नहीं है, ये आउटर क्लास के साथ ही काम करेगी। बट आउटर क्लास के अंदर इसके मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ नहीं ऐड कर सकता, क्योंकि वो आउटर क्लास के साथ नहीं जाती हैं। तो इसके लिए हम लोग नेस्टेड क्लासेस बनाते हैं, मतलब एक ऐसी क्लास जिसका खुद से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बट वो हमेशा आउटर क्लास के साथ ही जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग नेस्टेड क्लासेस बनाते हैं। तो सवाल आता है कि इसको बाहर भी तो बना सकते हैं, इसके अंदर बनाने की क्या ज़रूरत है। तो जैसा कि मैंने बताया, इसका खुद से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये इसके साथ ही जाएगी, इसलिए हमने इसके अंदर नेस्ट कर दिया इसको। और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी भी ऐड कर देते हैं, जो कि मैं इसको ज़ीरो इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं हम लोग नेस्टेड क्लासेस के लिए। तो इसके ऑब्जेक्ट्स बना के देखते हैं। तो आउटर का तो हम लोग सिंपली ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो ओबीजे लिखूंगा यहाँ पे मैं, और आउटर का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ नॉर्मली, और ओबीजे डॉट करूंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई तो मेरे पास आ ही रहा है। तो आउटर का जो कॉन्सेप्ट है वो तो वही है। तो देखते हैं नेस्टेड क्लासेस के ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ नेस्टेड, और यहाँ पर मैं लिखूंगा आउटर डॉट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेस्टेड क्लास आ रही है मेरे पास। तो इस तरीके से हम लोग नेस्टेड क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और यहाँ पर मैं कॉल कर सकता हूँ नेस्टेड डॉट टेस्ट, और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, आई एम इन नेस्टेड क्लास लिखा रहा है। तो ये था हमारा नेस्टेड क्लास के बारे में, सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्लास के अंदर क्लास बना दिए। अब बात आती है कि इस नेस्टेड क्लास के अंदर मैं अपनी आउटर क्लास के वेरिएबल्स और प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पर मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे एरर दे रहा है कि मैं यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकता हूँ इसको। अगर मैं इसको ओवर करता हूँ तो ये मुझे कहेगा अनरिजॉल्व रेफरेंस, मतलब उसे पता नहीं है कि आई कहाँ पर है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है इनर क्लासेस का। तो यहाँ पे मैं एक इनर कीवर्ड लगा देता हूँ। तो इसको हम लोग इनर क्लास कहते हैं, मतलब एक ऐसी क्लास जो इसके कॉन्टेक्स्ट में ही रन होगी। मतलब इनर कीवर्ड लगाने से ही हमारी इनर क्लास बन गई है, और ये हमारी आउटर के साथ ही एक्सेस होगी। मतलब इसको मैं आउटसाइड डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, ये हमेशा आउटर के साथ ही एक्सेस होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मुझे एरर दे रहा है कि आप इनर क्लासेस का कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हो, पहले आपको आउटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी आप इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना पाओगे। तो यहाँ पर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और इसे मैं नाम देता हूँ इनर, और यहाँ पे मैं पहले आउटर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे नेस्टेड का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे इनर डॉट टेस्ट कॉल कर सकता हूँ। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है इनर क्लास का, क्योंकि मैंने आउटर क्लास की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया है यहाँ पे, तो ऑब्वियस है कि मुझे आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना ये चल नहीं पाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा कि आई है क्या, क्योंकि आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तभी आई एक्सेस हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे आउटर का पहले ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके बाद हमने इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो इस तरीके से हम इसको कॉल करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि वो एरर दे रहा है, और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, ज़ीरो लिखा रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग इनर क्लासेस डिफाइन करते हैं। तो इसको समराइज़ करता हूँ, अगर हम लोग क्लास के अंदर क्लास बना रहे हैं तो उसको हम नेस्टेड क्लास कहते हैं, और नेस्टेड क्लास के अंदर अगर हम लोग आउटर क्लास की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग इनर कीवर्ड का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक इनर क्लास हो जाती है। इनर क्लास जो है वो खुद से एग्जिस्ट नहीं कर सकती, पहले उसे अपने पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी आप उसके इनर क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल कर पाओगे। तो इस तरीके से हम लोग नेस्टेड क्लासेस और इनर क्लासेस डिफाइन करते हैं। तो ये एक स्मॉल वीडियो था इस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो अगर आप लोग एंड्रॉयड की दिशा में जाने वाले हो तो ये चीज़ जो है हम रिसाइकलर व्यू में यूज़ करते हैं, जब हम उसका अडेप्टर डिफाइन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपका कोई सजेशन है या कोई कमेंट है तो हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बताएं, और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।